नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। लोकायुक्त की गिरफ्त में आया रिश्वतखोर प्रधान आरक्षक। धारा कम करने मांगी थी 25,000 रुपये की रिश्वत। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित त्योंथर में जनेर थाने में आज लोकायुक्त पुलिस की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रधान आरक्षक को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसमें अब कार्यवाही की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा त्योंथर तहसील के विश्राम गृह में कार्यवाही की जा रही है। देश की रखवाली और समाज की सेवा के लिए काम करने वाले सजग प्रहरी पुलिस कर्मी की वर्दी पर दाग अब आम बात हो गई है। पुलिस कर्मियों के द्वारा आए दिन लापरवाही रिश्वतखोरी की जा रही है। त्योंथर तहसील के जनेर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजीव लोचन पांडे ने वर्दी को दागदार किया है, जिसमें प्रधान आरक्षक राजीव लोचन पांडे ने फरियादी शिक्षक पन्नालाल कोरी से जमीनी विवाद में धारा कम करने के नाम पर 15,000 की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद फरियादी पन्नालाल गौरी ने मामले की शिकायत लोकायुक्त की टीम से की। तब लोकायुक्त पुलिस की टीम ने मामले पर कार्यवाही करते हुए फरियादी पन्नालाल कोरी के द्वारा दिए जा रहे 15,000 की रकम के साथ आरोपी प्रधान आरक्षक राजीव लोचन पांडे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रधान आरक्षक अपने आवास पर पन्नालाल कोरी से रिश्वत की रकम लेने के लिए बुलाया था, जहां पर लोकायुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने बताया कि आरोपी प्रधान आरक्षक त्योंथर तहसील के जनेर थाने में पदस्थ थे, जहां पर उन्होंने कार्य करते हुए फरियादी से रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद आज कार्यवाही हुई है। रीवा से हमारे रिपोर्टर अजय मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। देखिए, ये मैं 4 बीघे जमीन खरीदा था और उसमें जमीनी विवाद होने के कारण ये अमरेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह और रमेश सिंह अपने मजदूर के लड़के से यहाँ झुटिया जैविका चौराहा में आके मारपीट करवा दिए और फिर मारपीट करवाने के बाद हमको रोक दिया गया कि तुम FIR करने मत जाओ और उसको भेज दिए रिपोर्ट करने के लिए विमलेश कुमार को। विमलेश कुमार के रिपोर्ट में जो धारा लगी वो 294, 323, 506 मुंशी जी ने कायम करके भेज दिया मेडिकल के लिए। और जब मैं रिपोर्ट करने गया तो मैं बोल रहा था कुछ और मुंशी जी लिख रहे थे कुछ। कितने रुपए की मांग की गई थी आपसे? मेरे से पहले 25,000 की मांग की गई मुंशी जी द्वारा और इसके बाद फिर संशोधन करके श्री राजीव लोचन पांडे द्वारा 15,000 में मामला तय हुआ। 15,000 की मांग? 15,000 की मांग की गई। जिसमें प्रधान आरक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए, क्या पूरा मामला है? संबंधित के खिलाफ जो शिकायतकर्ता के खिलाफ थाने में, जनेर थाने में अपराध दर्ज किया गया था, उसी के संबंध में प्रधान आरक्षक ने उसके अपराध में कमी करने के लिए 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसे आज हम लोगों ने उसके आवास से 15,000 रिश्वत रुपये के साथ उसको अपना कार्रवाई करी।